हेलो बच्चों, आशा है आप सब स्वस्थ होंगे। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक भाग 3 पढ़ने जा रहे हैं। इस भाग में हम पढ़ेंगे अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे हो, रोजगार नियोजित आधारित क्षेत्रक, संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक, स्वामित्व आधारित क्षेत्रक, सार्वजनिक क्षेत्रक और निजी क्षेत्रक के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों, भाग 2 में हमने तीनों क्षेत्रकों के बारे में पढ़ा था, साथ में हमने तृतीय क्षेत्रक का बढ़ता हुआ महत्व के बारे में भी पढ़ा था। अब सवाल उत्पन्न होता है कि अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे हो सकता है। हम बहुत सारी तरीकों से ग्रामीण क्षेत्रों में उन उद्योगों और सेवाओं की पहचान कर सकते हैं और उन्हें बढ़ावा दे सकते हैं जहां बहुत सारे लोगों को नियोजित किया जा सकता है। हम सब्जियों और फल जिसे बाहरी बाजारों में बेचा जा सके उसके लिए उद्योगों की स्थापना करके रोजगार प्रदान कर सकते हैं। नीति आयोग के अनुसार शिक्षा क्षेत्र में लगभग 20 लाख रोजगार का सृजन किया जा सकता है। बच्चों, जिसे पहले हम योजना आयोग कहते थे उसे अब हम नीति आयोग कहते हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार करने के लिए हमें डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कर्मियों की आवश्यकता पड़ेगी। योजना आयोग के अनुसार अगर पर्यटन क्षेत्र में सुधार होता है तो हम प्रतिवर्ष 35 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान कर सकते हैं, लेकिन ये लंबी योजना है जिसमें काफ़ी समय लगेगा। छोटी अवधि के लिए हमें कुछ द्रुत उपाय की ज़रूरत है। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने अभी 625 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए एक कानून बनाया है जिसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 कहा जाता है। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष में 100 दिन की रोजगार की गारंटी दी गई है। यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो वह लोगों को बेरोजगारी भत्ता देगी। अब हम जानते हैं रोजगार नियोजित आधारित क्षेत्रक, संगठित और असंगठित क्षेत्र के बारे में। बच्चों, संगठित क्षेत्र में वे कार्य स्थान आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित हो। यहां लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है। ये क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होती है और उन्हें सरकारी नियमों का अनुपालन करना होता है। इसे संगठित क्षेत्र कहते हैं। कुछ लोग किसी के द्वारा नियोजित नहीं होते बल्कि वे स्वतः काम करते हैं, परंतु वे भी सरकार के समक्ष पंजीकृत कराते हैं और नियमों और विनियमों का पालन करते हैं। अब जानते हैं असंगठित क्षेत्र के बारे में। असंगठित क्षेत्र छोटी छोटी और बिखरी इकाइयां होती है जो अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण के बाहर होती है। इनका निर्माण निजी हाथों में होता है। इस क्षेत्र के नियम और विनियम तो होते हैं पर उनका अनुपालन नहीं होता है। वे कम वेतन वाले रोजगार होते हैं और प्राय नियमित भी नहीं होते। अब यह बात आती है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो। असंगठित क्षेत्र में बहुत सारी समस्या हैं, जैसे कम वेतन देना, अत्यधिक काम छुट्टियों का निर्धारण नहीं होना। इन सारी समस्याओं को दूर कैसे किया जा सकता है? इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को संरक्षण की आवश्यकता होती है। बच्चों, असंगठित क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं इस क्षेत्र को उपलब्ध करानी चाहिए। बच्चों, अब बात आती है स्वामित्व आधारित क्षेत्र की। जब हम स्वामित्व आधारित क्षेत्र की बात करते हैं तो दो तरह की क्षेत्रक आते हैं, सार्वजनिक क्षेत्रक और निजी क्षेत्रक। सार्वजनिक क्षेत्रक ये अधिकांशतः
परिसंपत्तियों पर सरकार का अधिकार होता है और सरकार ही सभी सेवाएं उपलब्ध कराती है। निजी क्षेत्र में परिसंपत्तियों पर किसी खास व्यक्ति का स्वामित्व होता है और सेवाओं की वितरण की जिम्मेदारी एकल व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होती है। कुछ गतिविधियां ऐसी हैं जिन्हें सरकारी समर्थन की जरूरत पड़ती है। निजी क्षेत्र उन उत्पादनों और व्यवसायों को तब तक जारी नहीं रख सकते जब तक सरकार उन्हें प्रोत्साहित नहीं करती। अधिकतर आर्थिक गतिविधियां ऐसी हैं जिनकी प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार पर निर्भर करती है और इन पर व्यय करना सरकार की अनिवार्यता होती है। बच्चों, अब प्रश्न ये आता है कि कई ऐसी चीजें हैं जिनकी आवश्यकता समाज के सभी सदस्यों को होती है, परंतु जिन्हें निजी क्षेत्र उचित कीमत पर उपलब्ध नहीं कराते हैं, क्यों? इसका कारण यह है कि इनमें से कुछ चीज़ों पर बहुत अधिक पैसे खर्च करने पड़ते हैं जो निजी क्षेत्रकों की क्षमता से बाहर है, जैसे सड़क, रेलवे, बिजली आदि का निर्माण और बांध आदि से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना। इसलिए सरकार ऐसे भारी व्यय स्वयं उठाती है। कुछ गतिविधियां ऐसी हैं जिन्हें सरकारी समर्थन की जरूरत पड़ती है, जैसे उत्पादन मूल्य पर बिजली की बिक्री। अधिकतर आर्थिक गतिविधियां ऐसी हैं जिनकी प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार पर है, इन पर व्यय करना सरकार की अनिवार्यता है, जैसे सभी के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराना। तो बच्चों, इस भाग के साथ अब यह अध्याय यही समाप्त होता है। इस भाग में हमने पढ़ा अतिरिक्त रोजगार के सृजन के बारे में, फिर हमने पढ़ा संगठित और असंगठित क्षेत्र के बारे में, और फिर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बारे में। तो अब यह अध्याय यही समाप्त होता है। फिर हम मिलेंगे अगले अध्याय में। तब तक के लिए बाय बाय।